अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शोएब लूनी फ्रॉम शाल व्लॉग्स। नाज़रीन, आज मैं ऐसा व्लॉग लेकर आ रहा हूं कि जिसमें आपको माशरे की बेहिसी, धुतकारियां, इन चीज़ों के बारे में, मतलब क्योंकि अल्लाह की मखलूक के साथ हम नॉर्मल इंसान क्या रवैया इख्तियार करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ ख्वाजा सरा मेहंदी से, जो कि अपने बारे में बताएंगे, अपना असल नाम बताएंगी, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगी और माशरे का इनके साथ क्या रवैया है वो भी बताएंगी। इसके अलावा चंद हम दिलचस्प सवाल भी मेहंदी से करेंगे। तो मिलते हैं अपनी दोस्त ख्वाजा सरा मेहंदी से। अस्सलाम वालेकुम मेहंदी, कैसे हैं? अच्छा, तो मेहंदी मुझे आप ये बताइए कि आपका असल नाम क्या है? मेहंदी असल। तो मेहंदी मुझे आप ये बताइए कि गुरु क्या होता है? गुरु हमारे बड़े होते हैं जो हमें संभालते हैं, जो हमें पालते हैं और जो हमारा सब कुछ, मतलब मुश्किल आ जाए, हमारे मुश्किल काम आते हैं। दुनियादार तो हमारे गुरु नहीं कर सकते, हमारे अपने गुरु होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो गुरु होते हैं। अच्छा, गुरु होने के लिए जरूरी है कि वो भी ख्वाजा सरा ही हो? जी हाँ। अच्छा, और चेला क्या होता है? चेला शागिर्द होता है। मुगलों ने हमें नाम दिया था ना, हम तो मुगल घोड़ों ने काम करते थे, बच्चों को संभालते, खान सामा थे, हम ये हमारा काम था, ये हमें ख्वाजा सरा ख्वाजा से नाम मिला। अच्छा, ख्वाजों से नाम मिला। जी, ख्वाजा सरा मुगलों ने हमें नाम दिया। ऐसे माशरे ने हमें बहुत नाम दिया, किंदर हो गए, ख्वाजा सरा खदर हो गए, हिजड़े हो गए, छक्के हो गए, हमें माशरे तो बहुत नाम दिए, लेकिन असल हमारा नाम जो है वो हमें ख्वाजा से असल मिला है, वो ख्वाजा से मिला है, मुगलों दौर से हमें नाम मिला है। ठीक है। मेहंदी मुझे आप ये बताइए कि बाजार वालों का, बाजार के लोगों का आपके साथ रवैया कैसा होता है? बाजार का रवैया है बहुत बुरा भी होता है, कोई कोई 100 से 10% लोग अच्छे रवैया करते हैं, बाकी सब बहुत बुरा रवैया करते हैं। मांगते क्यों हो, क्यों निकलते हो, क्या करते हो, पैसे को तुम क्या करते हो, सवाल ये करना कितना, तो सवाल करते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, मांगते क्यों हो, जॉब क्यों नहीं करते, हम क्या करें, आगे हमारी फील्ड ऐसी है, ना जा रहा तो है नहीं, मांगना पड़ता है, घर तो चलाना ही पड़ता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन तो बताइए ना, हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि आपकी एजुकेशन कितनी है। मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, मैंने में किया है, 2002 में मैंने किया था, ऐसी बात है। और मैं यहाँ पे काफ़ी बार से हूँ क्वेटा में, मुझे तकरीबन क्वेटा में 15-20 साल ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, तो रोड पर छोटे बड़े हुए वो नहीं हमें पाला है। तो मतलब आपसे कभी ये सवाल होते हैं कि आपका CNIC है, आपकी मतलब शनाख्त के बारे में पूछा जाता है? जी हाँ, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शनकर बनते हैं कि नहीं बनते, तुम क्या हो, क्या शनाख्त हमारे पास। तो ख्वाजा सरा की शनाख्त होती है, आज कल हमें मिल रही शनाख्त, हमें मिली भी है, तो मेरे पास है भी है, NIC है मेरे पास, वैसे मैं आपको अपना NIC दिखा सकती हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि मैं गेट्स पाता था। वाओ नाज़रीन, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी आसानी तो की आप लोगों के लिए कि आपकी शनाख्त CNIC की शक्ल में आप लोगों को दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। आप मुझे ये बताइए, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए मेहंदी, कि आपकी फैमिली का रवैया आपसे कैसा है? यार, फैमिली का कसूर तो हम नहीं देंगे, कसूर हम माशरे को नहीं, क्योंकि फैमिली हमें रखती भी है, हमें कबूल भी करती है, लेकिन माशरे से ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है या फिर ये ऐसी क्यों है, क्यों हम ऐसा से नहीं रह सकते? घर वाले रखते हैं तो मोहल्ले वाले कहते हैं इसके पास कोई क्यों आ रहा है, ये क्यों ऐसी है, ये क्यों जा रही है पाए, ये तैयार क्यों होती है, चलने कोई मसला की पैदा क्यों हुई। तो आपने अभी बताया कि आपका CNIC बना है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं कि आपका CNIC बना है? जी हाँ सर, नहीं आप देख सकते हैं सर, मैं कागज पे मेहंदी लिखा है, नीतीश पाल जैसा लिखा हूँ। जी, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मेहंदी का जो है ना बाकायदा CNIC शनाख्ती कार्ड जिसे कहा जाता है वो बना हुआ है, और इस पर बिल्कुल मेंशन है कि औरत ख्वाजा सरा। तो ठीक है, तो मेरी एक सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल मेरे माइंड में, आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? शॉप्स पे जाना या किसी से मांगना या नाचना गाना, इसके अलावा भी तो कोई आप काम ढंग का कर सकते हैं ना, जिससे आपकी इज्जत बढ़े। सर, अगर कोई दे तो क्यों नहीं करना चाहते?
बंदे बंदे में फर्क होता है। अभी हमें कोई दे तो हम जॉब करें ना, हमारे कोई वेकेशन आए तो हम करें ना, कोई हमें रखना ही नहीं चाहता इस जॉब पे। ऐसी बात है, मास्टर चाहते हैं कि तुम क्या जो नौकरी करोगे, सवाल हमें घर में रख के देखो, बर्तन धुलवा के देख लो, शॉप में रख लो यार, तुमने ये सेल करनी है बस, या फिर ये तुम्हें चीज दी गई है इसकी डस्टिंग करनी है, हम कर सकती हैं। लेकिन हमें मास्टर जॉब देता नहीं है, हम पे भरोसा नहीं करता मास्टर। मास्टर हमें दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करता है, नाच गाने के लिए इस्तेमाल करता है, उसके लिए हम वो हमें ये समझते हैं कि हमें जॉब तो दे के देखो, हमें कुछ समझे तो सही, हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें नजर आएगा तो हम करेंगे ना सर। तो क्या आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया कहीं पे? यार मैंने अप्लाई तो किया हुआ है, मुझे उम्मीद भी है मुझे मिल जाएगी। मैंने नादरा में अप्लाई किया हुआ था, कोई भी काम हो मैं सीट नहीं चाहती हूँ, मैं इज्जत चाहती हूँ, कोई भी काम अक्सर हमने रात के वक्त देखा है चौकों पे खदड़ा बना ही रोड के लिए, ठीक है। अगर एक बंदा खड़ा होता है तो आपका काम है उसको 10 रुपए जो हस्बी तोफीक है वो दो, चले जाओ। अभी गाड़ी रुकती किस लिए है, एक सवाल ये भी है। हम गलत नहीं होते, मास्टर गलत होते हैं, हमें माशरा गलत करने पर माशरा मजबूर करता है। आप अगर हमें बोलते हो यार 10 रुपये नहीं देंगे, 2000 देंगे, चलो हम तो गलत नहीं है ना। अगर मतलब खुद ले जा रहे हैं तो हमें आप रोडों पे देखते हो, लेकिन आप रोडों पे ये नहीं देखते कि कौन रुक रहा है और कौन क्यों रुक रहा है, कोई क्यों बिठा रहा है, ये भी तो आप देखो ना। क्या हम गलत नहीं है, हमें गलत करने वाला माशरा है और गाड़ी वाला है, वो गलत क्या सोच रहा है? उसका काम है 10 रुपये देना और चले जाना। वो आगे से ऑफर करता है कि आपको हम ये देंगे, आप हमारे साथ चलो या बैठो बात करो, क्या बात करें हमें किससे क्या। अच्छा मेहंदी, मैंने ये सुना है कि ख्वाजा सरा जब फोत होता है ना, तो जिस तरह एक नॉर्मल इंसान मर्द या औरत फोत होती है तो उसका एक दिन के टाइम जनाजा होता है, आप लोगों में ख्वाजा सरा लोगों में जब बंदा मतलब कोई फोत हो जाता है ख्वाजा सरा, तो उसको दफनाने का तरीका हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि क्या होता है। जी सर, आपका ये सवाल तो आपका नहीं, हर बंदे का है आजकल इस दौर में। आजकल जाहिर सवाल है, बहुत से काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि आप लोग मर कैसे हो, जनाजा कैसे होता है, वहाँ जनाजा होती है कि नहीं होती, ऐसी बात है मौत पर है बाहर इंसान को आनी है। लेकिन जाहिर सवाल है कि हमें हर फील्ड का बंदा होता है, सुन्नी भी है, शिया भी है, देवबंदी भी है, कादियानी भी है, क्रिश्चन भी है, तो उसका उस हिसाब से होता है। अगर सुन्नी है तो दफन दफन हमारे गुरु देते हैं, जनाजे का रखने का वो रखते इसलिए कि इंतजार सबको होता है अपनों का, कि अपना कोई देख ले, कोई किसी को एतराज ना हो कि अपनी बहन को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा या नहीं देखा हो, हम रखते इसलिए कि कोई आ जाए, इंतजार तो इंतजार है, तो हम इसलिए रखते हैं कि कोई आ जाए। अगर कोई नहीं आता है तो रात की तारीखी में हम जाके या दिन को तारीखी में अंधेरे में जाके दफना देते हैं, फिर कहते हैं भाई हमारा हक था रखने का, हमने रखा, आप नहीं आए, अब वो जगह है आप जाके पाचा कर लो। ये चीज़ होती है, जनाजे हमारे भी होते हैं लेकिन खदरा मर गया, हम रोडों पे किसी को बता नहीं सकते खदरा मर गया, खदरा के जनाजे में कौन आएगा, एक सवाल है। लोग फिर ये कहते हैं इसका इससे क्या ताल्लुक, तो माशी करवाइए, देखिए ना कि एक खदरे का एक आम बंदे से क्या ताल्लुक, ना औरत है ना मर्द, क्या ताल्लुक। सही, तो मैंने सवाल का सिलसिला बस ज़्यादा नहीं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं, तो बस एक सवाल का। अच्छा आप क्या बनना चाहते थे और आप क्या बन गए? बनने तो हम बहुत कुछ चाहते थे, पढ़ना लिखना चाहते थे, फौज में जाने का मेरा बहुत शौक था, मैं फौज में जाऊँ, मैं काम करूँ, क्या होते कैंट में काम करूँ, इज्जत से काम करूँ। मुझे मान नहीं मांगने नहीं सिखाया, मुझे किसी बात में नहीं सिखाया, मुझे माशरे ने मजबूर किया, माशरे के रवैये ने मुझे मजबूर किया इस फील्ड में आने से, और क्योंकि ना जॉब मिलती है ना कुछ मिलता है, इसलिए हमें इस फील्ड में आना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो ये काम ही हमें शोभा देता है, जाहिर सी बात है। और ऐसा कोई सवाल ऐसा नहीं जो हम ना कर सकें काम, हम काम भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कि कोई उम्मीद दे तो उम्मीद देते हैं पर लोग करते नहीं है। तो मेरी लास्ट एक कंक्लूड करते हैं, व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो गया, बाकी अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे व्यूअर्स सुने, और मुझे सिर्फ ये मुझे ना बताइए, मेरे व्यूअर्स को, मेरे चैनल के देखने वालों को आप ये बताइए कि उनको आप आखिर में क्या पैगाम देंगे। मैं सर ये कहूँ कि अपना देखने का रवैया, हर खदड़ा हर ख्वाजा सरा एक जैसा नहीं होता,
जो आ रहे हैं देखो कि यार कब से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इसका क्या हक है कि नहीं। देखो अपनी सोच बदलो और खुद को थोड़ा बदलो और देखने का रवैया कौन कब से आ रहे और क्यों आ रहे हैं। हमें इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, हमें इज्जत नहीं दोगे तो गाली मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मेरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये थे मेहंदी हसन, मेहंदी के नाम से मशहूर ख्वाजा सरा, जो क्वेटा की सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर। खुदारा इनके बारे में सोचिए, हर ख्वाजा सरा बुरा नहीं होता। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, कि पढ़े लिखे अच्छे जो ख्वाजा सरा हैं, जो नाचने गाने और मांगने के अलावा नेक नियति से जॉब करना चाहते हैं, खुदारा इनका कोटा रखा जाए, इन्हें जॉब्स दी जाए। और बहुत सारे हमारे भाई जो बकौल मेहंदी के इन पे गंदी नज़रें रखते हैं, खुदारा खुदारा खुदारा, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है यार, उनको भी जीने का हक है, इज्जत से इन्हें जीने दिया जाए। ये तो व्यूअर्स मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो जिन दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए शाल व्लॉग्स, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।